जेईई मेंस के बेस पे बिहार के जितने गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन होता है, तो दोस्तों सब उसका नोटिस आ गया है। चलिए हम आपको दिखाते हैं उसका नोटिस और कब से कब तक डेट है, कैसे फॉर्म अप्लाई करना है और सब कुछ बताएंगे उसके नोटिस में, जो जो होगा उसको आपको डिटेल में बताएंगे। चलिए चलते हैं। देखिए दोस्तों, आ गए हैं हम बीसीसी की ऑफिशियल साइट पे। बीसीसी सर्च किया तो देखिए बीसीसी का पोर्टल खुल के आया है हमारे सामने। इसकी वेबसाइट पे चलते हैं हम। देखिए वेबसाइट ओपन हो चुका है। इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म वाले सेक्शन में फर्स्ट नंबर जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल ऑफ UGSC 2021, इसको ओपन करते हैं। इसमें सेकंड नंबर जो वाला जो हमारा नोटिस है उसको ओपन करते हैं। सेकंड नंबर वाला जो पोर्टल है इसको ओपन करते हैं क्योंकि इसमें डिटेल में दिया गया। ये PDF मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है फ़ोन में, इसलिए यहाँ पर डाउनलोड कर मतलब दिखा रहा है। तो चलिए हम अपने फाइल में जाते हैं, वहाँ से इसको ओपन करते हैं। थोड़ा सा वेट कर लीजिए। देखिए PDF हमारे सामने खुल चुका है। PDF में नोटिस फर्स्ट में लिखा हुआ है और देखिए इसका इशू डेट दिया है कि कब इस नोटिस को जारी किया गया है और इसके बारे में स्टेप बाय स्टेप कि फॉर्म को कैसे फिलअप करना है पूरा स्टेप में दिया गया है, क्या कुछ डॉक्यूमेंट्स लगेंगे पूरा डिटेल में दिया गया है फॉर्म को भरने के बारे में। और पूरा डिटेल आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा लाइन वाइज लाइन। और दोस्तों ये जो फोर्थ नंबर है ओल्ड जो है जिसके अभी सामने हम जो दिखा रहे हैं ओल्ड ओरिजिनल जेईई मेंस से, तो इसके बारे में हम बाद में बात करते हैं, पहले अपना देख लेते हैं कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कब से शुरू होने वाला है। देखिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है हमारा 22/10/2021 से चालू होने वाला है। 22/10/2021 से चालू होने वाला है और इसका क्लोजिंग डेट 2/11/2021 तक है। नवंबर में 2 तारीख तक इसका क्लोजिंग डेट है। अगर आप फॉर्म मतलब लास्ट पेमेंट जो है 3 तारीख और आप फॉर्म में कुछ गलती करते हैं तो फॉर्म को एडिट करने का वो जो डेट है 4 और 5 तारीख को है, उस दिन आप एडिट कर सकते हैं। और दोस्तों इसका जो फर्स्ट मैरिट लिस्ट है, मैरिट लिस्ट जो जारी होगा जिसको स्कोर कार्ड कहते हैं, वो स्कोर कार्ड 6 तारीख को जारी हो जाएगा। उसके बाद में आपकी काउंसलिंग की डेट आएगी और आगे का प्रोसेस आपको अगले नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। दोस्तों इस मतलब डिटेल को अच्छी तरह से देख लीजिए और जल्दी जल्दी फॉर्म को भरिए। और जो आपने हमने बोला था कि ये इसके ऊपर वाला जो चीज़ है डॉक्यूमेंट्स के बारे में जो दिया गया है ये फोर्थ नंबर, तो इसको बारे में बता दें। ये वो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आफ्टर काउंसिल मतलब जो सीट अलॉट होने के बाद जो जो डॉक्यूमेंट्स आपको कॉलेज में लगेंगे उन सब के बारे में डिटेल में दिया गया है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स के बिना आपका काउंसलिंग नहीं है। इस सब डॉक्यूमेंट्स को ध्यान से पढ़ के और सब के सब डॉक्यूमेंट्स आप कॉलेज में लेके जाइएगा, देख लीजिए एक बार ध्यान से और PDF को डाउनलोड कर लीजिएगा। PDF को ध्यान से पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही अपना मतलब काउंसलिंग में जाइएगा। कोई भी अगर डॉक्यूमेंट्स छूटता है तो आपको काउंसलिंग में दिक्कत हो सकती है। तो दोस्तों इसी के साथ हम वीडियो को अपना एंड करते हैं। थैंक यू दोस्तों।